सावन महीने के पहले सोमवार को भक्तों द्वारा विभिन्न शिवालयों में जाकर भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की गई। वहीं एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर जटोली में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को दूध, जल, बेलपत्र, भांग इत्यादि अर्पित कर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। मान्यता है कि भोलेनाथ को सावन महीना बहुत प्रिय है। इस महीने सोमवार के उपवास रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खासतौर पर अविवाहित कन्याओं को सोमवार के व्रत रखने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। महिलाएं इस महीने हरी चूड़ियां व मेहंदी भी लगाती है। जटोली मंदिर में पूजा करने आए भक्तों ने बताया कि श्रावण मास के प्रथम सोमवार को वे जटोली मंदिर आए हैं। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना कर सभी की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन का महीना चला हुआ है तो हम इधर आए सोलन के जटोली मंदिर में, तो यहाँ पे लोगों की काफ़ी आस्था है। ये भोलेनाथ का मंदिर है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ भीड़ जमा होती है, तो श्रद्धा भी है लोगों की इस मंदिर में। और यहाँ का जो मंदिर है वो काफ़ी शक्तिशाली है, बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो जैसे सावन का महीना चला हुआ है तो यहाँ पे देखो आप कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक साथ में गुफा भी है जो बनी हुई है और साथ में एक गुफा और भी है जहाँ पे हमारे स्वामी कृष्ण जी ने समाधि ली हुई है, तो लोगों की बड़ी आस्था है यहाँ पे। मेरा नाम सतपाल भारद्वाज है और आज हम यहाँ जटोली मंदिर में आए हैं। श्रावण मास चला हुआ है और यहाँ का जो पवित्र पवित्र जो जल स्रोत है यहाँ से लोग पानी को ले जाते हैं, और जिससे कि ये मान्यता है कि यहाँ का जो पानी से स्नान करने से चर्म रोग वगैरह इत्यादि ठीक हो जाता है। अब जैसे किसी को पथरी वगैरह होती है तो शायद हमने ये भी सुना है कि इससे ये भी इसमें भी काफ़ी जो है वो मिलता है, क्या बोलते हैं, रिलीफ मिलता है। इसका स्नान जो है गंगा स्नान के बराबर ही माना गया है।